फाइनली हम वालोंग पहुंच चुके हैं, चित्राई हुई झोपड़ियों की तरह पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है वालोंग। सामने जो वो सफेद सब पर्वत दिख रहा है वो चाइना में है। यहाँ कोई सरहद बटी नहीं हुई है, ये पर्वत है, इस तरफ चाइना है, इस तरफ इंडिया है, एक मौन रेखा जिसे हम कहते हैं उसके द्वारा विभाजित है। ये है वालोंग, आपको दिखाई दे रहा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, पूर्वोत्तर भारत का अंतिम गांव है ये वालोंग। ये छोटा सा मार्केट है यहाँ का, ये वाला मार्केट ओपन किया मैं। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ट्रक, इनका बहुत बड़ा हाथ है हमारे देश की सरहदी सीमा पर रास्ता बनाने में, सड़कें बनाने में। बीआरओ इसका शॉर्ट नेम है, जानते होंगे आप सभी। 7 मई 1960 को स्थापना हुई थी इसकी, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है और आर्मी की तरह ही काम करता है। उसका एक अंग है, मान लीजिए आप उसी के ऑफिसर्स इसमें होते हैं। अभी हम किसी होटल के सुंदर घर बने हुए तलहटी में, मिट्टी के पहाड़ है यहाँ पर अधिकतर। नॉर्थ के जो पहाड़ है उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, तभी तो घने जंगल इन पर इनमें पाए जाते हैं। अभी यहाँ हम किसी आईबी मतलब गेस्ट हाउस बोल सकते हो। नीचे नदी का दृश्य दिखाऊंगा मैं आपको। ये लोहिती नदी है, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी। ये इधर चाइना से आ रही है जैसे ब्रह्मपुत्र आती है। अभी हम मार्केट से ऊपर आ गए। बैंगलोर शायद कोई पहले से आया हुआ है। फाइनली आज यही नाइट स्टे करेंगे हम, नीचे बना हुआ है। ये भारत का अंतिम छोर है, दूर सफेद से पर्वत आपको दिखाई दे रहे होंगे जहाँ धूप है, वो शायद मेरे हिसाब से चाइना का हिस्सा है।